कुशीनगर पुलिस की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। आए दिन कुशीनगर पुलिस अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है। कभी पीड़ितों पर लाठी बरसाने, तो कभी दारू पीकर हंगामा करने को लेकर, कभी शिकायतकर्ता को थाने से भगाने का मामला हो। ताज़ा मामला कुशीनगर के नेबुआ रोनिया थाने से जुड़ा हुआ है। थाने के एक उपनिरीक्षक अजय सिंह द्वारा पेट्रोल पंप पर खुलेआम असलहा लहराने का मामला सामने आया है। जिले के नेबुआ रोनिया थाने में तैनात उपनिरीक्षक अजय सिंह आए दिन अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। क्षेत्र में यह चर्चा है कि वह अपनी प्राइवेट इंडिका कार में सायरन लगाकर घूमते हैं और शाम होते ही दारू के नशे में धुत हो जाते हैं। मामला गुरुवार की रात का है, जहां नेबुआ रोनिया थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर दरोगा अजय सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर मैनेजर और कर्मचारियों को दौड़ा लिया। दरोगा का यह रूप देखकर पेट्रोल पंप कर्मी डर कर भाग गए। इस दौरान वहां दरोगा ने पेट्रोल भरवाने आए वाहन चालकों को भी पीटा। दरोगा की यह सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर दरोगा पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि सोशल मीडिया पर सीसीटीवी की फुटेज वायरल होने के बाद शाम को पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने दरोगा को निलंबित कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दरोगा अजय सिंह लगातार किसी न किसी कारनामे को लेकर चर्चा में रहते हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व दरोगा अजय सिंह ने नशे की हालत में एक ट्रैक्टर चालक को बीच सड़क पर पीट दिया था। उनका वह भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन पुलिस महकमे ने उनको बचा लिया। आए दिन दरोगा अजय सिंह अपनी प्राइवेट गाड़ी से नौरंगिया चौराहे पर हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिससे नेबुआ रोनिया चौराहे के लोग उनसे उनकी हरकतों से आजीज आ गए हैं। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को नेबुआ रोनिया थाने में तैनात अजय सिंह शराब के नशे में अचानक पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने बोलेरो चालक की पिटाई भी कर दी तथा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दरोगा ने अपने निलंबन के बाद पेट्रोल पंप पर दोबारा पहुंचकर मैनेजर के केबिन में रिवाल्वर लेकर उनको धमकाया। उनका यह भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरोगा पर आरोप है कि उन्होंने रिवाल्वर की बट से मैनेजर के पेट में कई वार भी किए। घटना की रात को ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी ने इसकी जानकारी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को दी। हालांकि घटना के बाद सीओ खड्डा मौके पर पहुंचे, लेकिन दरोगा वहां से भाग चुका था। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने आरोपी दरोगा अजय सिंह को निलंबित कर दिया है तथा मामले की जांच सीओ खड्डा को सौंपी है। इस संबंध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस पंप मालिक पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में पेट्रोल पंप से फ्री में डीजल की बात सामने आई थी। इस संबंध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी की नेबुआ रोनिया थाना अध्यक्ष पवन सिंह से हॉट टॉक भी हो गई थी। अतः पेट्रोल पंप एसोसिएशन आदित्य त्रिपाठी का कहना है कि फ्री में डीजल न देने के बदले में पुलिस यह कार्रवाई कर रही है। अब मामला क्या है यह तो सीओ खड्डा की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से दरोगा अजय सिंह को एसपी कुशीनगर ने निलंबित कर दिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।